ओके लेट्स स्टार्ट विदाउट टाइम मार्केट अपना गैप डाउन खुला और गैप डाउन खुलना रीजन क्या था अपना इसराइल का ने वॉर डिक्लेयर कर दिया करेक्ट इसराइल ने क्या किया इसराइल के ऊपर हमला हुआ है उसकी वजह से आपको क्या हुआ उसने तो रिटेलिएट किया है करेक्ट लेकिन वॉर का हमेशा इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर नेगेटिव क्यों पड़ता है आपको थोड़ा सा सेकंड लेवल ऑफ थिंकिंग को डेवलप करना पड़ेगा क्यों ऐसा होता है सबसे पहले क्रूड ऑयल जब भी क्रूड महंगा होता है तो इंडिया जो कि अपना नेट इंपोर्टर कंट्री है वो उसको दिक्कत आने लग जाती है क्रूड को इम्पोर्ट करने जब क्रूड महंगा होगा तो ऑब्वियसली बात है सरकार के ऊपर बोझ पड़ेगा महंगा क्रूड करने के लिए दूसरा क्या होता है ग्लोबल सप्लाई चेन ना डिस्टर्ब होती है अभी तो चलो छोटे छोटे कंट्रीज आपस में लड़ रहे हैं लेकिन अगर कोई बड़े कंट्रीज आपस में लड़ते हैं चाइना है रशिया है या फिर आपका यूएस वगैरह अगर उतरता है तो फिर क्या होता है आपका सप्लाई चेन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है जिसकी वजह से महंगाई और बढ़ती है यूएसए में ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है आपको इन्फ्लेशन का लेकर है ना

यहां पे इस दिन का लो भी यही है इस दिन का लो भी यही है, है इस दिन का भी लो यही है और आज का लो भी यही है कौन सा है वो 19475 जब भी इसके नीचे जाना शुरू करेगी तो मार्केट में तेजी से नीचे आएगा फिर आपका अभी तक पता है क्या है ये सारे लेवल्स सा आपके एरिया जो था आपका सपोर्ट का एरिया था लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना जब भी सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे बहुत ज़्यादा मार्केट हिट कर जाता है तो फिर वो वीक हो जाता है सपोर्ट भी या रेजिस्टेंस भी तो अपने को सेलिंग अग्रेसिव कहाँ पे मिलेगी इस लेवल के नीचे फिर अपने को ट्रेल करते रहेंगे मार्केट को फिर वेट नहीं करेंगे मतलब ऐसा नहीं कि अपना सेलोन राइस का ही टोटली मार्केटर है हर उछाल पे बेचने की कोशिश करेंगे एसएल हिट होगा कोई बात नहीं लेकिन इस तरीके से ट्रेड करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा एक चीज दूसरा क्या है अभी मार्केट में एक रेजिस्टेंस पॉइंट आ गया आपका ये जो कल इस दिन का हाई तकरीबन था और आज का हाई कौन सा है 1959586 अगर टेलीग्राम पे भी मैंने ये सेम चीज आपको बताया हुआ है अगर कभी भी क्योंकि जब मैंने फ्राइडे को वीडियो रिकॉर्ड करी थी तब इसराइल वाला ये इशू नहीं आया था मतलब मैंने मार्केट का जस्ट क्लोजिंग के बाद अभी आप देखोगे तो चार बजे के आसपास ही मैं जस्ट मार्केट के क्लोजिंग के बाद ही रिकॉर्ड कर देता हूँ लेकिन वो क्या हुआ गैप डाउन खुला मार्केट और गैप डाउन खुलने के बाद मैंने मॉर्निंग में टेलीग्राम पर ये चीज़ मैंशन कर दी थी एक दिन पहले ही क्या कि अगर कल कुछ इसका अटैक से अलग अलग होगा तो लेवल्स हम लोग फ्रेश देखेंगे ना कि आप डी वाली वीडियोज को देखना तो उसमें जो आपको लेवल था नाइनटीन आप देख रहे हो 586 और नीचे आपका 497 नाइन सेवन हमने एक्सैक्टली फोर नाइन बाई किया था ठीक है मिस कर दिया था।, था मेजर सपोर्ट एरिया पे ठीक है अब सपोर्ट दोबारा से टेस्ट करिए तो वहां पे अपने लोग बाइंग की साइड पे नहीं जाएंगे ठीक है या अगर अपने छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पर अगर, अगर आप देखोगे तो ये अगर गैप डाउन खुली तो ओपनिंग रेंज ब्रेकडाउन या फिर यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगी अगर गैप गैपडाउन खुली तो मुझे नहीं लगता कल ये फिर यहाँ पे आ, वापस आएगी मतलब जनरली क्या होता है मार्केट आपका अगर गैप डाउन खुलती है तो मार्केट वापस से ऊपर रिटेस्ट करती है देन आपका नीचे आती है जनरली ऐसा होता है लेकिन अगर कल खुलेगी तो नहीं आएगी उसका रीजन मैंने आपको बता दिया बहुत ज्यादा मल्टीपल टाइम सपोर्ट है वेर एज अगर गैप अप खुली इस लेवल से पहले मैं बाइंग के बारे में नहीं सोचूंगा यानी कल मैं बाइंग को प्लान नहीं कर रहा हूँ नीचे के लेवल पे बाइंग मिस हो जाए तो हो जाए कल नहीं प्लान कर रहा हूँ वैसे जनरली करता हूँ मतलब बाइंग लेकिन मैं कहाँ पे प्लान कर रहा हूँ नाइनटीन फाइव एट्टी के ऊपर ही जस्ट वहाँ पे या फिर कभी अगर, अगर गलती से नाइनटीन टू फिफ्टी के आसपास आ जाए तो एक बार वो हो सकता है कि बैंक की साइड में वरना उससे पहले किसी भी लेवल में बाय नहीं करूंगा बिकॉज ये सारे ही लेवल आपके मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुके हैं ठीक है ठीके? ये वाला ट्रेड ऑब्वियसली हम लोगों ने लिया था पहली ट्रेड कैंडल का लेकिन हम लोगों ने बाय का ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी में ठीक है वो चल गया था अपना अभी आप देखोगे तो इसमें अपना हो गया ठीक है 580 ऊपर का लेवल हो गया और नीचे आपको ब्रेकडाउन का लेवल कौन सा है 470 ठीक है लेवल नोट कर लिए कोई दिक्कत नहीं

कल को प्लान अभी एक दो दिन रुक जाएंगे बाइंग की तरफ नीचे को बिकॉज ब्रेकडाउन पे मार्केट फिर नीचे गिरती है ना सपोर्ट उसका एक ही रीजन है सिर्फ मैं ये जो बोल रहा हूं क्योंकि सपोर्ट आपकी मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुकी है एक बाई अगर डेट छूट जाएगा तो छूट जाए कोई बात नहीं वनडे के चार्ट पे आते हैं पहले लेकिन हाँ एक चीज याद रखना गैप अप के केस में पूरी एनालिसिस चेंज हो जाएगी क्यों बिकॉज गैप अप होगा तो ये शॉर्ट सर्कल स्ट्रैप हो जाएंगे अभी हम देखेंगे किस लेवल के ऊपर निफ्टी में नाइनटीन के ऊपर अगर गैप खुलता है या बैंक निफ्टी में गैप आपका खुलता है नाइनटीन सॉरी फोर्टी फोर थाउजेंड वन हंड्रेड तो उस केस में पूरी एनालिसिस आपको ऊपर की साइड की तरफ देखनी पड़ेगी फिर शॉर्ट्स आपके ट्रैप हो जाएंगे जितने भी ठीक है अब ये वाली सपोर्ट आपकी यही मैं आपसे कहना चाह रहा था ये सारे सपोर्ट आपकी उतना मायने नहीं रखती लेकिन फोर्टी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड के आसपास ऑब्वियसली एक राउंड लेवल होता है और सिक्स हंड्रेड ये जो लो है तो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल आ सकता है कि यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो तो कौन सा आ रहा है फोर्टी थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड तो यहाँ तक का भी स्लाइड कल अपने को सिक्स हंड्रेड का लेवल फिर फाइव हंड्रेड एंड अगर फाइव हंड्रेड भी टूट जाएगा तो मैं कोई बहुत बड़ा आश्चर्य में नहीं आऊंगा सरप्राइज दे उसका सिर्फ एक रीजन है सपोर्ट आपकी बहुत बार टेस्ट हो गई ठीक है ये आपका ठीक है फोर्टी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड के आसपास का अगर क्लोजिंग इसके नीचे जा दिए जाते तो फिर ये लेवल फिर आपके इस बार टूट सकते हैं मतलब इस एक्सपायरी में वेटनेसडी थर्जी तक की एक्सपायरी में ठीक है फिर निफ्टी के डेटा पे चलने आ, आ, चार्ट पे चलने से पहले डेटा देख लेते हैं एक बार सबसे पहले निफ्टी पे आते हैं ठीक है नाइनटीन फाइव हंड्रेड की ट्वेंटी टू लैख एटीन लैख थर्टी थ्री लैख यानी मोटा मोटा आज जितनी एड हुई है तो हुई है आपकी फिफ्टी फाइव लैख और बीस लाख के आसपास सेवेंटी थ्री लैख के आसपास हुई है ठीक है पुट्स नहीं है सपोर्ट करने को कहीं पर भी नहीं है फाइव हंड्रेड पे ही आपका मैक्सिमम पुट्स का वही बैठा है और ये अपना ट्रैप का होगा रात में लोग जो टू जी में देखते हैं वो इसको देख रहे हैं किस लेवल पर ही ट्रैप होंगे अभी फिलहाल फोर सेवेंटी अपना जो चार्ट दिख रहा है वो ये दिख रहा है ठीक है नाइनटीन टू हंड्रेड पे अपना मैक्सिमम पुट्स बैठे हैं नाइनटीन रुपीज पे ठीक है तो ये नाइनटीन टू हंड्रेड आपका ऑब्वियसली बात है सपोर्ट होगा लेकिन अगर आप डेटा वाइज देखोगे तो डेटा में कोई भी बुलिश साइन है ही नहीं जब तक कि आपका सिक्स हंड्रेड फाइव एट्टी सिक्स हंड्रेड के लेवल्स को क्रॉस नहीं करेगा ओके okay. देखो मैं अपने पास से कुछ नहीं बताता हूँ जो डेटा बनता है जिस तरीके से होता है वो उसी तरीके से हो सकता है कोई कॉल लेके गया हो सकता है कोई पुट लेके गया हो ना ही पुट में खुश होने की जरूरत है ना ही कॉल में दुखी होने की जरूरत है बिकॉज आपने एंट्री एग्जिट आपकी प्री डिफाइंड होगी मैं ऐसा ज्यूम करता हूँ ठीक है बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो ट्वेंटी सिक्स ठीक है फोर्टी वही आपका एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करने का होगा यहीं पे पे सबसे ज़्यादा बैठे ओके। नीचे आपके 900 पे भी आपके आपके 900 भी ठीक है 600 200 ओके। तो इसमें थोड़ा सा निफ्टी लेकिन ऑब्वियसली बात है अगर शॉर्ट कवरिंग नीचे की साइड आनी है तो बैंक निफ्टी ट्रिगर करेगी ऊपर की साइड आएगी तो भी बैंक निफ्टी ट्रिगर करेगी बिकॉज बैंक निफ्टी और निफ्टी बैंक निफ्टी का डेटा जो है निफ्टी के मुकाबले ज्यादा है ज्यादा बना हुआ है तो जब ज्यादा बन रहा है तो फिर जो भी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगी इन दोनों में से करेगी तो बैंक निफ्टी करेगी ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी ठीक है फिर निफ्टी पे आते हैं फिर निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ सारे आपके पुट राइटर्स भाग गए ठीक है ऑब्वियसली बात है गैप डाउन खुला दो थ्री फिफ्टी ठीक है मैंने आपको बताया था कि मैं रेंज को प्लान नहीं कर रहा हूँ रेंज ट्रेडिंग को प्लान नहीं कर रहा हूँ कि नीचे के लेवल पे हाफ क्वांटिटी कम क्वांटिटी में करना है लेकिन मैं रेंज को प्लान नहीं कर रहा ठीक है नीचे अगर मैं यहाँ पे देखा हूँ थर्टी सिक्स लेख थर्टी फोर लैख नाइनटीन हो सकता है कल बाइंग का ट्रेड मिल जाए देखो डेटा अगर कल आपका बुलिश बता रहा है प्राइस यकीन आपका बुलिश बता रहा है तो देर इज नो रीज़न कि हम लोग एडामेंट रहे हैं कि नहीं नहीं करना है लेकिन उस केस में क्या करेंगे हम क्वांटिटी साइजिंग को कम रखेंगे क्यों कम रखेंगे बिकॉज जो प्लान है उस प्लान के हिसाब से अगर मार्केट चलता है तो ठीक है नहीं तो फिर क्वांटिटी कम रखेंगे तो अपने को फिन निफ्टी में क्या दिख रहा है नाइनटीन का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया दिख रहा है ठीक है तो नाइनटीन सिक्स फिफ्टी को ध्यान में रखना है ठीक है चलते हैं अपने लोग चार्ट पे और फिन निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं ओके फिन निफ्टी पे आते हैं ये भी अपने कहाँ पे खड़ा है बिल्कुल अपने ब्रेक डाउन लेवल पे खड़ा है ठीक है कौन सा वो आ रहा है उसका नाइनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड के आसपास का ही आ रहा है वो टूटेगा तो दिक्कत है फिर अब ये लेवल डिफेंड नहीं होना चाहिए ठीक है ना क्योंकि बहुत बार इसने यहाँ पे भी देख लो फर्स्ट टाइम जब ये यहाँ आया आप ही को याद होगा मैं खुद कह रहा था कि यहाँ पे सेल नहीं करना है सेलर्स का नहीं बायर्स का एरिया है अगर बायर्स इस बार हार गए तो दिक्कत वाली बात है ठीक है फिर ऊपर से न्यूज़ तो है ही अपने साथ मतलब नेगेटिव न्यूज तो है ही साथ में करेक्ट वो वाली तो बाइंग का आपको ऊपर के अगर इसमें मैं मोटा मोटा देखूंगा

मार्केट थोड़ा सा चौपी हो रही थी आज मार्केट चौपी थी इसमें कोई डाउट नहीं रीट चौबी इन देंस पता है क्या है सीधा सीधा नीचे नहीं आ रही बीच में विक्स दिख रही है ये विक्स आपकी ऑप्शन के असर खाट जाती है ठीक है तो अभी एक इंपॉर्टेंट रिस्टेंस कौन सी आ रही है नाइनटीन क्यों आ रही है बिकॉज यहीं से आपका ब्रेकडाउन आया था एक मैंने मैसेज फ्लैश किया था आपको कि बैंक निफ्टी को अगर शॉर्ट करना है हाफ क्वांटिटी शॉर्ट करी थी उसमें भी से भी हम लोगों ने एग्जिट कर दिया था बैंक निफ्टी हाफ क्वांटिटी शॉर्ट करी थी फिर हाफ क्वांटिटी ऐड करनी थी कहाँ पे अपने को इसी जगह पे जैसे आप देख लेना फोर्टी थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड 56 का लेवल था वो इसका ब्रेक डाउन का ठीक है तो वहां पे आपको रेस्टेंस मिलती तो यानी कि पहली तेजी में इसके ऊपर ही सोचूंगा कौन सा है के के ऊपर ही अपने लोग बाइंग करेंगे अगर गैप अप इसके ऊपर खुलता है और वो सारे लेवल्स के ऊपर गैप खुलते हैं तो ही अनालिस को पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी इग्नोर कर देना फिर मैं आपको टेलीग्राम पर नौ बजे दस मिनट में दोबारा लेवल डाल दूंगा ठीक है तो ये आ गया आपका नीचे का लेवल ऑब्वियसली आपको पता ही है ठीक है ओके चलते हैं अपने लोग एच डी एफ सी बैंक पे नाउ एच डी एफ सी बैंक अगर आप देखोगे तो इसका ब्रेकडाउन का लेवल कौन सा है पहले तो देखो रेजिस्टेंस कौन सी है इसकी फिफ्टीन ट्वेंटी ठीक है ये आपकी रेजिस्टेंस है नीचे आपकी ब्रेकडाउन का लेवल कौन सा आ रहा है फिफ्टीन हंड्रेड ट्वेल्व का यानी इसके नीचे जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका रेजिस्टेंस पॉइंट होगा इसके नीचे अपने को ट्रेड नहीं लेना ट्रेड तो इंडेक्स में लेते हैं लेकिन हम लोग एनालिसिस वाइज इसको देखते हैं ठीक है इससे पहले भी इसने यहीं पर सपोर्ट ली थी कौन सा था फिफ्टीन हंड्रेड टेन के आसपास ठीक है ओके याद रखना कब आपको शॉर्ट की पोर्शन में नहीं रहना है अगर एच डी एफ सी बैक फिफ्टीन ट्वेंटी के ऊपर क्रॉस कर गया आई बैंक पे आते हैं आई बैंक का वो क्या आ रहा है वही लेवल जहाँ से आपका ये रेजिस्टेंस आ रही है ठीक है ये पॉइंट ब्रेकआउट देन सपोर्ट एंड देन ऊपर गैप डाउन उसके अंदर रेजिस्टेंस यही नीचे आया ऊपर आया ब्रेकडाउन का लेवल कौन सा है नाइन का ऊपर कौन सा नाइन फोर्टी टू ये छः पॉइंट की रेंज है जिधर की साइड भी अगर फोर्टी टू के ऊपर निकलता है आपका ये फोटी एच डी एफ़ सी बैंक निकलता है तो फिर शॉर्ट के ट्रेड थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे बिकॉज वो आपको बैंक निफ्टी को गिरने नहीं देंगे नेक्स्ट आते हैं अपने लोग एस बी आई पे एस बी आई का देखोगे तो अब क्या दिख रहा है एस बी आई में ओके मार्केट नीचे आया ऊपर गया यहीं पे इसने सपोर्ट लिया ऊपरआउट दिया कौन सा है आपका 580 के आसपास का है और ऊपर कौन सा है आपका ब्रेकआउट का लेवल ठीक है किसी कारणवश अगर ये ऊपर पहुंचता है इसके ऊपर निकलता है तो फिर ये आपका एक गैप पेंडिंग होता है उसको ध्यान में रखना ठीक है तो वो चीज अपने कौन सा फाइव एट्टी और नीचे आपका फाइव ये क्यों होते हैं हम लोग स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए मान लो ब्रेकडाउन आ गया है एच डी एफ़ सी बैंक और आई सी आई बैंक का ब्रेकडाउन चल रहा है एस बी का नहीं है तो अपने कैरी कर सकते हैं बिकॉज एच डी एफ सी बैंक आई सी सी बैंक की वेटेज ज्यादा है सिमिलरली किसी भी दो दो चीज़ हमारे फेवर होनी चाहिए अगर हम बैंक निफ्टी में ट्रेड लेते हैं निफ्टी में अगर हम ट्रेड लेते हैं तो हमारे फेवर में रिलायंस और आई टी होना चाहिए बस ये चीज़ ध्यान नहीं चलते अपने नेक्स्ट रिलायंस पे बजाज फाइनेंस आगे और देख लेंगे बिकॉज वो अपने को क्या है फिर निफ्टी में काम आता है अगेन इसमें देखोगे तो आप ये सारा इसका सपोर्ट एरिया था बस गैप अभी कल मार्केट में कॉल वालों को बचा सकती है और ना कॉल में ट्रेड मुश्किल होगा कल नीचे आपका इसने ब्रेक डाउन ले दिया टू थ्री वन जीरो के आसपास का ठीक है टू थ्री वन जीरो के आसपास इसका ब्रेकआउट लेवल है अभी करेंटली ब्रेकडाउन रजिस्टेंस कौन सा है ट्वेंटी थ्री हंड्रेड के नीचे बन दो ट्वेंटी थ्री हंड्रेड आपका विल अ रेजिस्टेंस ठीक है नीचे कौन सा सपोर्ट है उसमें आपना एच डी एफ सी बैंक में आपका नीचे का जो सपोर्ट है वो आपका अराउंडीन एट्टी फोर्टीन नाइनटी के आसपास है और आईसीआईसी बैंक का नीचे सपोर्ट आपका नाइन थर्टी के आसपास का है ठीक है वो ध्यान में रखना तो ये अपना इसमें नीचे का सपोर्ट कहीं नहीं दिख रहा है आसपास रिलायंस में ठीक है कोई नहीं है ओके ठीक है नेक्स्ट आते हैं अपने कल कोई पूछ रहा था मेरे से कि आई टी के साथ एफ एम सी जी की एनासिसिस भी करना चाहिए एफ एम सी जी की एनालिसिस इसलिए नहीं करते और फार्मा वगैरह की भी क्यों नहीं करते बिकॉज निफ्टी में वेटेज ही नहीं है निफ्टी में जो हैवी वेट्स हैं जिससे निफ्टी पे इंपैक्ट पड़ता है वो है हाँ अगर एफ एम सी जी चार परसेंट तीन परसेंट भाग गया तो ऑब्वियसली निफ्टी को बचा के रखेगा लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है ना इसलिए आई टी को इम्पॉर्टेंट देते हैं

मैंने आपको जैसे निफ्टी वगैरह बताया था वैसे एक इसमें रेड कैंडल पेंडिंग होती है लेकिन बस इसमें ध्यान नहीं रखना टीसीएस सी एस का बायक है तो वो थोड़ा सा बचा के रखेगा तो आईटी पे अननेसेसरी ट्रेड लेके फंसना नहीं है ना नेक्स्ट आते हैं अपने लोग बजाज फाइनेंस पे नीचे कौन सा लेवल आ रहा है थर्टी uh, का एक्जैक्टली exactly, डॉट ठीक है थर्टी ऊपर का है ये अपना एक इनसाइड बार का पैटर्न बना हुआ है इसमें प्रॉपर ठीक है प्रॉपर ये दिस इज कॉल्ड इनसाइड बार है ना हाफ फिफ्टी के ऊपर है तो इसमें ऑब्वियसली ऊपर का लेवल क्या रहा है 8200 और नीचे का लेवल क्या रहा है आपका एट थाउजेंड अब इसमें एक चीज़ होती है अगर ये नीचे जाता है अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ मतलब ये वाला जो इसके ऊपर ये कैंडल निकली है दिस इज अ फॉल्स ब्रेकआउट कैंडल तो ये फिर ये नीचे की रेंज बहुत तेज ट्रेस करेगा सेवेंटीन हंड्रेड लेकिन इनसाइड बार में जनरली ऐसा नहीं होता है पता है कि ऐसी इनसाइड बार मेरे को सही लगती है कि अगर वो शॉर्टिंग का बढ़िया हो ये हो और यहाँ पे एक हैमर बना हो अब ये हैमर बनाने की इंपॉर्टेंस होती है, तो यहाँ के नीचे जब ज्यादा तो आपको नीचे से स्लाइड अच्छा करता है जब इस हैमर का लोड होता है क्यों बिकॉज वहाँ पे क्या होते हैं सारे बायर्स के स्टॉप लॉसेस लगे होंगे इस जगह पे जब भी बायर्स के स्टॉप लॉस ट्रिकर होता है तो मार्केट एकदम से नीचे आता है स्लाइड करता है तेजी से तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे वो नहीं यहाँ पे क्लोजिंग ही डेलो पे दिया है तो अगर ये नीचे जाए तो है लेकिन बीच में आपकी सपोर्ट आपको मिल रही है वहाँ पे सेवेंटी के आसपास की ऊपर रेजिस्टेंस क्या एट्टी वन के आसपास की ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की लेवल्स इंटरडे में निकालने के लिए फिफ्टीन मिनट्स के चार्ट पे आते हैं ये आ गया ठीक है ये अपना जहां से इसका सेलर्स का एरिया है कौन सा रहा है वो एट जीरो एट जीरो और एट्टी वन हंड्रेड के आसपास का सेलर्स का एरिया है और बायर्स नीचे कहाँ पे है यहाँ एक्यूमिलेट हुआ थे ठीक है ये कौन सा रहा है सेवन नाइन फोर जीरो सेवन नाइन सिक्स जीरो बीच में ये ध्यान रखना है क्यों रखना है अपने को फिर निफ्टी की वजह से ठीक है तो आई होप को समझ में आया होगा आज के लिए इतना ही सीम नेक्स्ट सेशन टिल देन बाय बाय